Hi guys, now we are discussing the interview questions on array, and we have one more question. What is the array store exception in Java, and when you will get this exception? फ्रेंड्स अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, बेसिकली एरे स्टोर एक्सेप्शन क्या है और ये कब आता है, बराबर है? सो वी कैन से एरे स्टोर एक्सेप्शंस इज द रन टाइम एक्सेप्शंस व्हिच ऑकर व्हेन यू ट्राई टू स्टोर non-compatible elements in array objects. Right, मतलब array store exception कब आता है? अगर आप non-compatible data store करना चाहते हैं तब आपको array store exception आता है. इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कि आपके पास एक एरे है जो स्ट्रिंग का है और आप उस स्ट्रिंग के एरे में इंटीजर स्टोर करना चाहते हैं, तब शायद आपको एरे स्टोर एक्सेप्शन आ सकता है. राइट राइट, द टाइप ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी कंपैटिबल विद द टाइप ऑफ एरे ऑब्जेक्ट. Example. Right. Consider we have example here. Public class ArrayStore. Exception app. If you consider here object string array equal to new of a string, if I write string array of a 0 equals to good morning India, पहले हम इसे रन करके देखते हैं friends. String ARR of a 0. Array store exceptions app.java. Java C array store exceptions app.java. Java array store exception app. Good morning India. बराबर है. अभी देखिए ये जो भी object type होता है ना, ये होता है general type होता है. आपका जो array है ये string है. अगर आप यहाँ पे ऐसा अगर करते हैं string array of 1 equals to 100. अभी अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं, हाँ अभी देखिए इस केस में ये जो ऑब्जेक्ट का जो एरे है ये कौन से टाइप को पॉइंट कर रहा है? स्ट्रिंग को. अगर आप अगर यहां पे देखते हैं, इट इज वेरी मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हियर. ये जो भी आपका ऑब्जेक्ट टाइप है ये पॉइंट कर रहा है स्ट्रिंग को, लेकिन आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर वैल्यू स्टोर की है इंटीजर टाइप की. सो ये आपको कंपाइल टाइम में तो एरर नहीं देगा. क्यों? क्योंकि कंपाइल टाइम में इसे नहीं देगा क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्ट का एरे है और ऑब्जेक्ट किसी भी वैल्यू को स्टोर कर सकता है.
आर गेटिंग राइट, लेकिन आपको रन टाइम में तो एरर डेफिनेटली मिलेगा, मतलब अगर आप इसे रन करते हैं ठीक है, वी गेट एरर स्टोर एक्सेप्शन इन जावा। इसका मतलब ये हुआ अगर आपके पास ऑब्जेक्ट एरे है और ऑब्जेक्ट एरे अगर किसी पर्टिकुलर टाइप को पॉइंट करता है, लेकिन अगर आप इसे दूसरी टाइप की वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो इट मे बी आपको रन टाइम एक्सेप्शन मिलेगा, हम उसे एरे स्टोर एक्सेप्शन कहते हैं। आर यू क्लियर? यस ओके थैंक यू।